नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपिका मॉम कॉर्नर। सर, पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि हम ऐसा कौन सा ऑयल है जिससे अपने बच्चे का मसाज करें, क्योंकि उसके ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो, साथ ही साथ उसकी स्किन भी गोरी हो, क्लियर हो और बहुत अच्छी ग्लोइंग हो। वीडियो पूरा ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो में बताने वाली 5 बेबी मसाज ऑयल के बारे में जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। बट ध्यान रहे कि एलर्जी से बच्चे को हमें बचाना है ना। जब मेरा बेबी छोटा था तो मुझे भी ये टेंशन हुई थी कि मैं अपने बच्चे की मालिश कौन से ऑयल से करूं। मार्केट में तो ऐसे बहुत सारे ऑयल्स अवेलेबल हैं, ऐसे कौन से ऑयल से मसाज करूं जिससे कि बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ग्लोइंग और साथ ही साथ हेल्दी हो। तो मैं भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी आप ही के जैसे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ 5 ऑयल जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने बेबी के मसाज के लिए। और परफेक्ट ऑयल सही है, इसमें कोई भी एलर्जी की बात नहीं है। हाँ, फिर भी हर बच्चा अलग अलग होता है तो उसको एलर्जीज हो सकती है, तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर से रखना है। तो गर्मियों का मौसम आ गया है तो सबसे पहला हमारा ऑयल है वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में सारी एलर्जीज को कम करने के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। ओके, जब आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो यदि बच्चे के शरीर में दाने भी आ रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं आसानी से। तो इसलिए कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बेबी मसाज के लिए। आजकल मार्केट में कोकोनट वर्जिन ऑयल आ रहे हैं जो कि कोल्ड प्रेस्ड रहते हैं और उसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं होता। उसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि उसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं होता है, और विदाउट केमिकल कोई भी प्रोडक्ट हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि आप कोकोनट ऑयल शुरू में बच्चे के साथ यूज़ कीजिए। तकरीबन जब 1 हफ्ते बाद बच्चे की नाल गिर जाती है उसके बाद आप मसाज ऑयल स्टार्ट कीजिए, और कोकोनट ऑयल बेस्ट है, आप इससे स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको चेंज करना है तो 3-4 मंथ्स के बाद आप ऑयल चेंज कर सकते हैं। जैतून का तेल, जैतून के तेल में भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि बच्चों को मजबूत करने के लिए, उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैतून का तेल मींस इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं फिगारो ऑयल। ओके, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि यह हर बच्चों को सूट नहीं करता है। कुछ बच्चों में इसमें एलर्जी देखी गई है, कुछ बच्चों को रैशेस हो जाते हैं, उनकी स्किन डार्क पड़ जाती है। आई थिंक मेरे बेटे को फिगारो ऑयल नहीं सूट हुआ था, उसकी स्किन पूरी डार्क पड़ गई थी और उसको पैचेस भी आ गए थे, तो इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। ओके, तो 5 ऑयल में से आप अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई करके देखिए, उसके स्किन को जो सूट हो रहा है आप वही ऑयल यूज़ कीजिएगा। तीसरा है बादाम का तेल। बादाम का तेल भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, खासकर इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि बच्चों के स्किन के थ्रू बच्चों में जाते हैं, और बड़े होने के बाद बच्चे को चलना, फिरना, कूदना है तो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बादाम का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा है। फोर्थ है सरसों का तेल, जो हमारी ठंडी जगह है। इंडिया में ऐसे बहुत सारी जगह है जो ठंडी है, जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सरसों का तेल है जो बॉडी को गर्म करता है, गर्मी प्रोवाइड करता है, जिससे कि बच्चे का जो टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहेगा ठंड में, तो ये उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सर्दी खांसी से दूर रहेगा बच्चा, बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपके एरिया में ज़्यादा ठंड होती है तभी आप सरसों का तेल यूज़ कीजिए। यदि गर्मी का मौसम है तो सरसों का तेल आप बच्चे के बालों में लगा सकते हैं, बट ओवरऑल बॉडी में ना लगाएं। और जब बच्चा चलने फिरने लग जाता है तब आप उसके पैर में उसकी मालिश कर सकते हैं, जो कि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा, बच्चे के पैर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा, जिससे कि उसको उठने, बैठने, चलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 5th ऑयल हमारा है तिल का तेल। तिल का तेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बालों की ग्रोथ के लिए, स्पेशली यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के बाल बहुत ज़्यादा घने और अच्छे हो, तो आप तिल का तेल बच्चों के बालों में मालिश कर सकते हैं। साथ ही साथ बॉडी के लिए भी तिल का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट शर्त यहाँ पर ये है कि आपके बच्चे को वो ऑयल सूट होना चाहिए। जब तक वो सूट नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। तो मैं तो करती हूँ 1st के 3 मंथ कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, और उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं फिगारो ऑयल में, बादाम ऑयल में और तिल के तेल में। और जब बेबी 6 मंथ का हो जाता है उसके बाद बच्चे को डाबर लाल तेल ज़रूर से लगाइए,
क्योंकि ये बच्चों की ओवरऑल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है। जब बच्चा उठना बैठना खेलना शुरू करता है तो उसको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, और डाबर लाल तेल में वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को हेल्प करती है उनकी उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि वो अच्छे से बैठ सके उठ सके। जो उनके माइल स्टोन है 6 मंथ 8 मंथ 10 मंथ 11 मंथ के जो उनके माइल स्टोन है वो अचीव कर सकें। सो ये वीडियो यदि आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी।